हमारे ऑर्डर्स अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। अरे सेठ जी, हर साल ऐसा ही होता है, 3-4 महीने पहले काम शुरू करते हैं, पर भी मौके पर आते आते ऑर्डर की मारामारी रहती है। पिछले साल से इस बार हमारे पास काम कुछ ज्यादा है। ये सब आपके व्यवहार का कमाल है सर, और गणेश भगवान की कृपा। मैं तो भगवान गणेश जी की कृपा कहूँगा, आज तक मैंने जो भी मांगा है सब मिला है मुझे, इसलिए मैं भी गणेश चतुर्थी पे गणेश जी की स्थापना करता हूँ। इस बार नहीं कर रहे हो क्या? कर रहा हूँ ना, मेरा पूरा परिवार गया है गांव गणपति पूजा के लिए, इस बार पूरे 10 दिन का रखेंगे। सेठ, आप भी मानते हो गणपति को? बिल्कुल भाई, मैं तो पूरे धूमधाम से मनाता हूँ, मेरी तो रोजी रोटी गणेश जी चलाते हैं। ये मूर्ति शांति मेंशन जाने वाली है ना सेठ? अरे रेगुलर कस्टमर है, पूरे 15 साल हो गए यहीं से मूर्ति लेकर जाते हैं। अपने सेठ जी भी तो जाते हैं पूजा में। लेकिन इस बार नहीं जाऊंगा, कल यक्ष आएगा, तुम लोग चले जाना। क्यों सेठ जी, जब हर साल आप जाते हैं तो इस साल भी जाना चाहिए ना आपको। कोई जरूरी है, इस साल मन नहीं कर रहा है तो नहीं जाऊंगा। मैं अभी आता हूं, तुम लोग फटाफट काम निपटाओ। सारी तैयारियां हो गई ना? जी हो गई। जरा से भी चूक नहीं होनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, ऐसा प्लान बनाया है जो फेल हो ही नहीं सकता। वेरी गुड। मेरा पैसा कब चाहिए? अभी लोगे या बाद में? अभी देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, गाड़ी में बैठ जाओ, पहले कुछ और जरूरी बात कर लें। इतनी रात को सेठ जी कहाँ चले गए? शहर तो पीछे रह गया, ये किधर लेकर आ गए और क्या जरूरी बात करनी थी आपने अभी तक की नहीं? देखो मेरे पास टाइम नहीं है, कल सुबह बहुत सारे ऑर्डर पूरे करने हैं मुझे। अच्छा, अगर मैं 1 घंटे में ऑर्डर पूरे कर दूं तो? कैसे? अभी पता चल जाएगा। क्या कर रहे? पागल हो गए हो क्या? मर जाएंगे दोनों। हम दोनों नहीं, सिर्फ तुम। अरे कहाँ हो भाई तुम, जल्दी आओ यार, सब आने वाले हैं। हाँ ठीक है, जल्दी करो फटाफट, ठीक है ना? भाभी उनको फोन कर दिया, सामान आता ही होगा बस। ओके थैंक्स, लेके आ रहा, ठीक है? हाँ राघव, अंदर से जाके जरा फूलों की थाली ले आओ। जी। अरे यक्ष क्यों नहीं आया भाई अभी तक? अरे जतिन अंकल रिलैक्स, आने वाला होगा। अरे मगर मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे अंकल नहीं निकलेगा मुहूर्त। अरे तुम्हें मालूम है ना, ये पूजा पाठ ये सब जो होता है ये मुहूर्त के हिसाब से होता है, ऐसे थोड़ी है, परवाह ही नहीं है इसे। अरे डैडी मैंने उनको फोन किया था 15 मिनट पहले। क्या बात, आज धीर नहीं आया? अंकल धीर सर कहीं बाहर चले गए हैं किसी जरूरी काम से, इसीलिए हमें भेजा है। अरे ऐसे कैसे, 15 साल से तो वो खुद ही आते रहे, आज तुम लोग को भेज दिया? पता नहीं, शायद कल आए। हम लोग भी निकलते हैं। अरे नहीं नहीं, अब पूजा के बाद जाइए। नहीं नहीं मैडम, हमें मार्केट जाना है, कुछ सामान खरीदना है। यजमान पूजा का मुहूर्त हो गया है, सबको बुला लीजिए। हाँ पंडित जी, हम चलते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा आओ। यक्ष नहीं दिखाई दे रहा, यक्ष? डैडी मुझे ऑफिस से है। अरे भैया आज तो छुट्टी है। मेरी कोई छुट्टी नहीं है, मुझे कुछ जरूरी काम है। हाँ ठीक है, पूजा तो कर जाओ ना पहले। आप लोग हैं ना, आप लोग संभाल लीजिए प्लीज। पंडित जी पूजा शुरू कीजिए। वॉचमैन, ये वॉचमैन भी ना जब देखो तब गायब ही रहता है,
वैसे मालूम था कि आज ऑफिस आने वाला हूं, फिर भी गायब है। सर सॉरी सर, मैं वो आ गया साहब, कहाँ पे थे आप? नहीं वो मैं, तू नहीं सुधरेगा, जरूर सिगरेट पीने गया होगा। कितनी बार समझाया तुझे कि सिगरेट पीना सेहत के लिए कितना हानिकारक होता है, लेकिन तू है कि समझता ही नहीं। अब मुंह लटकाए खड़ा क्या है, जाके बैठ उधर, काम कर अपना। जी जी सर। मेरे केबिन में तो कोई घड़ी नहीं, फिर ये टिक टिक की आवाज कहां से आ रही है? देखा नहीं जा रहा सर, ऐसी मौत मर गया बेचारा, कभी कभी कार भी मुसीबत बन जाती है। ये बात तो है फ्रेडी, लेकिन ऐसे एक्सीडेंट में तो ड्राइवर को भी चोट लगनी चाहिए थी या फिर उसकी भी मौत हो जाती। मगर ड्राइवर है कहाँ? सर हो सकता है कार गिरने से पहले गाड़ी चलाने वाला कूद गया हो। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि इस आदमी को कूदने का मौका नहीं मिला? स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज फ्रेडी। ड्राइवर कूद गया और इस आदमी को कूदने का मौका नहीं मिला, कुछ गड़बड़ है फ्रेडी, गड़बड़ है। गड़बड़? कैसी गड़बड़ सर? मुझे लगता है इस आदमी को कूदने का मौका दिया ही नहीं गया, किसी ने ये एक्सीडेंट जानबूझ के किया है इस आदमी को मारने के लिए। जिस आदमी ने हमें फोन किया उससे पूछता हूँ, तुम जरा आसपास देखो कुछ मिलता है क्या? यस सर। आप एक बार बताइए, ये आपने जब यहाँ पे देखा तो आसपास कोई ऐसा आदमी दिखा जो घायल हो, किसी को चोट लगी हुई हो? नहीं सर, मैंने तो कोई आदमी नहीं देखा। सर जब मैं यहाँ पर आया तो कार से आग की लपटें निकल रही थी, इसीलिए मैंने आप लोगों को फोन किया। मौके का तो कोई गवाह है ही नहीं, कुछ पता चला फिर? नहीं सर, नंबर प्लेट पूरी तरह से जल गई है सर। सर पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था? एक मिनट वो टायर देखा जरा, उठाओ उसे सर। पीले रंग का पेंट सर। हाँ फ्रेडी, हाँ फ्रेडी, ये देखिए सर, जूतों के निशान, मतलब यहां पे कोई खड़े होके बीड़ी पी रहा था। बेशरम आदमी था, यहां खड़ा होके तमाशा देखता रहा कार जलने का। एक काम करो, ये कार का इंजन नंबर नोट करो, पता लगाओ किसके नाम पे ये गाड़ी। हेलो, माय गॉड, कहाँ पे? देखिए आसपास किसी को मत आने दीजिए, हम लोग पहुंचते हैं। क्या हुआ सर? ब्लू फेदर बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ है, किसी के ऑफिस में बम फटा है। वॉचमैन, बताओ ये तुम्हारे यक्ष साहब कितने बजे आए थे ऑफिस में? हमेशा 11 बजे आते थे, आज
पौने 10 बजे के करीब ही आ गए थे साहब। हमेशा 11 बजे आते थे, आज 10:45 बजे आए। तुम थे वहाँ उस वक्त जब वो आए थे ऑफिस? बाहर नाके पे चाय पीने गया था साहब, आए तो 2 मिनट के बाद मैं भी यहाँ आ गया था साहब। तो वो अकेले आए थे, उनके साथ कोई और भी था? अकेले ही थे साहब। यक्ष आने से पहले कोई और आया था यहाँ पर? आज छुट्टी है ना, कोई नहीं आया था। ये तुम्हें कैसे मालूम कि कोई नहीं आया था? तुम तो नाके पर गए थे चाय पीने के लिए, मतलब बम तुम्ही ने लगाया? नहीं नहीं साहब, साहब की मेहरबानी से मैं, मेरे बच्चे पलते थे, मैं भला क्यों मारूंगा इन्हें। तो क्या साहब खुद बैठ गए बम पर? मुझे क्या पता साहब, साहब के कैबिन में कोई घुस भी नहीं सकता, कोड वाला लॉक है, आप लोगों ने तो तोड़ा है ना। सर इसका मतलब कोई ऐसा आदमी था जिसे कोड नंबर पता था, उसी ने लगाया होगा बम। डायनामाइट सर, ये देखिए सर, डायनामाइट का इस्तेमाल किया गया। डायनामाइट मतलब ब्लास्ट, जिसने भी किया या करवाया उसने ये बॉम्ब कुर्सी के नीचे लगाया ये सोचकर कि जैसे ही यक्ष ऑफिस में आएगा और कुर्सी पर बैठेगा ब्लास्ट हो जाएगा। सर हाँ, यक्ष का लॉकर खुला हुआ था सर, अंदर पैसे हैं, शायद खूनी ने कुछ और ही चुराया होगा सर। पैसे तो बिल्कुल वैसे के वैसे हैं, तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट पेपर्स हो अंदर जो चुरा के लेकर गया। एक काम करो विक, देखो कोई फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं क्या। यस सर। यक्ष, यक्ष कहाँ है मेरा बेटा? क्या हुआ मेरे बेटे को? कहाँ है मेरे पति? किसने मारा उन्हें? कैसे हुआ ये सब? प्लीज देखिए, आप अंदर नहीं जा सकती। मेरा बेटा नहीं मर सकता, भगवान मेरे बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा था। देखिए प्लीज डैडी, संभालिए अपने आप को, अब होने को कौन टाल सकता है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, जिसने भी ये किया है उसे हम जल्दी से जल्दी पकड़ कर ही रहेंगे। काजल सर है, सचिन काम करो, इस ऑफिस कॉम्प्लेक्स की सिक्योरिटी वालों से पता लगा कि आज सुबह 9 और 10 बजे के बीच में ऑफिस में कोई आया था क्या। अच्छा ये बताओ कि सुबह से ड्यूटी पे तुम ही दोनों हो ना? जी सर। फिर कुछ तो अंदाजा होगा तुमको कि यक्ष के ऑफिस में बॉम्ब लगाया किसने? पता नहीं सर। पता कैसे नहीं है, किसी को तो देखा होगा ना आते जाते हुए। किसी को आते या जाते हुए नहीं देखा है तो किसी को बिल्डिंग से भागते हुए देखा ही होगा ना। देखो ध्यान से सोच के बता, ये ब्लास्ट 9:30 से 10 के बीच में हुआ है, और इस बीच तुमने यहाँ से किसी को भागते हुए देखा क्या? सर हम दोनों यहाँ से एक सेकंड के लिए भी नहीं हिले, यहाँ से कोई नहीं गया। हो सकता है 9:30 से पहले कोई आया हो। सर आज तो छुट्टी का दिन है, आज कौन आएगा? क्या विवेक? ये देखिए सर, पीला पेंट। सर ऐसा ही येलो पेंट उस कार के टायर पे भी लगा हुआ था जिस कार में जली हुई लाश मिली थी। लेकिन फ्रेडी ये जरूरी तो नहीं कि जो ये पेंट उस टायर पे लगा है कहीं से लगा। हो सकता है सर यहीं से लगा होगा। इनसे पूछते हैं। वॉचमैन ये पेंट देख रहे हैं यहाँ पे, ये पेंट खराब कैसे हुआ? सर कल रात एक कार आई थी उसी ने खराब किया ये सब, मैंने मना भी किया पर वो कार इसके ऊपर से ही भगा के ले गया। किसकी कार थी? पता नहीं सर, मैं ड्राइवर को देख नहीं पाया। उस कार का एक्सीडेंट भी कल रात को ही हुआ था, मुझे तो लगता है ये वही कार होगी। रेडी कहीं इस एक्सीडेंट वाली कार का संबंध यक्ष के खून से तो नहीं? जतिन जी एक बात बताइए, क्या
यक्ष का किसी के साथ कोई झगड़ा था, कोई दुश्मनी? किसने किया होगा ये? पता नहीं सर, किसने मारा है? उसका तो कोई दुश्मन भी नहीं था। क्या आज वो किसी से मिलने वाला था या कोई उसे मिलने आने वाला था घर पर? घर पर तो आज उसे कोई मिलने नहीं आया। आज हमारे घर में गणपति पूजा थी, उसमें कुछ लोग आए थे। वो लोग तो सर अभी भी घर पर ही हैं। यक्ष तो बिना पूजा किए ही घर से निकल गए। बिना पूजा किए घर से निकल गए? क्यों? ऐसा क्या जरूरी काम था? वो तो मुझे पता नहीं, अब तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अचानक हमारी खुशियों में आग लग गई। हेलो, क्या क्या मजा कही? कौन है? कौन बोल रहा है? हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ जतिन जी? किसका फोन था? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या हो रहा है सर ये? मगर हुआ क्या ये तो बताइए। किसी ने मेरे छोटे बेटे मानव का किडनैप कर लिया है। क्या क्या? ऐसा कैसे हो सकता है डैडी? मानव घर पे है प्रीत के साथ। जरा देखिए घर पर, फोन लगा कर देखिए, देखिए मानव घर पर है क्या? हाँ सर। हेलो, मानव घर पे है ना? नहीं सर, मानव वाकई में किडनैप हो गया। घर पर बाकी लोग होते हुए भी मानव किडनैप होता है, घर से कैसे? सर, मानव के किडनैप के टाइम मैं वो कॉफी शॉप में गया था। मानव के किडनैपिंग के टाइम पे तुम कॉफी शॉप चले गए हैं? यस सर। क्यों? वो मेरी एक फ्रेंड आई थी मिलने के लिए वहां पे, आप पूछ सकते हैं उससे सर। हाँ, वो तो हम पूछ ही लेंगे। अब ये बताओ, जब तुम घर से कॉफी शॉप जाने के लिए निकले उस वक्त घर में और कौन कौन था? एक मानव और ये रघु था सर। रघु? तो फिर रघु बताओ कहाँ है मानव? सर मुझे कुछ नहीं मालूम। कैसे नहीं मालूम? सर मानव साहब घर से हॉस्पिटल के लिए निकले थे एम्बुलेंस में। हॉस्पिटल गए एम्बुलेंस में? जी। क्यों गए हॉस्पिटल? सर वो हर 15 दिन बाद जाता ही था चेकअप कर रखने के लिए, एम्बुलेंस में जाता था हर 15 दिन। जी। तो आज चेकअप था उसका? नहीं सर, आज नहीं था। आज चेकअप नहीं था? तो फिर रघु कैसे भेज दिया तुमने और क्यों? सर मैंने सोचा हो सकता है टाइम हो गया हो, इसलिए हॉस्पिटल वाले मानव साहब को लेने आए हो। मतलब एम्बुलेंस वालों ने किडनैप किया मानव? जो लोग मानव को लेने आए थे एम्बुलेंस में, वो लोग दिखने में कैसे थे? सर 2 आदमी थे और उनके चेहरे पर दाढ़ी थी और चश्मा लगाया हुआ था सर। दाढ़ी थी और चश्मा भी लगाया हुआ था। बात कीजिए। हेलो, किडनैपर है सर वही। स्पीकर ऑन करो। मानव की रिहाई चाहते हो तो वो जायदाद के पेपर्स। जायदाद के पेपर्स? हाँ, कल गणेश विसर्जन में पीले कपड़े पहन के एक आदमी आएगा, वो पेपर्स उसे दे देना, वरना तुम्हारा बेटा जिंदा नहीं बचेगा। हेलो हेलो, वो लोग किस जायदाद के पेपर्स के बारे में बात कर रहे थे जतिन जी? सर मुझे नहीं पता। पता नहीं किस जायदाद के बारे में? पता नहीं, अजीब बात है। क्या? एक बात याद रखना, जब तक उन किडनैपर्स को वो जायदाद के पेपर्स नहीं मिलते, आपके बेटे को वो कुछ नहीं करेंगे। सर, मानव को बचाने के लिए वो लोग उसे अस्पताल जरूर लेके जाएंगे, उसका मेडिकल चेकअप करवाने। हाँ फ्रेडी, एक काम करते हैं, शहर में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं नजर रखते हैं, देखते हैं वो लोग मानव को लेकर आते हैं क्या चेकअप करने के लिए। हाँ, आप लोग कह रहे थे कि गणेश पूजा में कुछ मेहमान आए थे आपके पास, जरा बता सकती है कौन कौन आया था? हमारे परिवार वाले कुछ लोग थे और कुछ आस पड़ोस के लोग थे,
और सर, सर दो लोग और थे मूर्ति बनाने वाले धीर काका के वर्कशॉप से, जिसने हमारी गणेश जी की मूर्ति बनाई थी। उन दोनों के नाम क्या है? उनके आदि और सूरज। लेकिन सर वो तो यक्ष के जाने से पहले ही चले गए थे, हमारे सामने ही गए थे। यक्ष के ऑफिस जाने से पहले ही निकल गए थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोनों जानते थे कि आज ऑफिस में छुट्टी थी, फिर भी यक्ष ऑफिस जाने वाला था। सर कहीं उन दोनों ने तो कुछ गड़बड़ नहीं की है? हो सकता है फ्रेडी, हो सकता है। अच्छा हुआ सालों के सोच की नदिया में डूबा है तो किसी कवि से हाथ मिलाया है कि सुबह सुबह? क्यों नहीं, तुम्हारा जैसा आदमी कविता में बात करेगा तो धक्का तो लगेगा ना यार। देखा, इस आदमी के साथ प्यार से बात करो तो इसे धक्का लगता है, और ना करो तो इसे भी खड़ूस है। यार सालों के तेरे साथ बात करना ही पाप है, पापी आदमी है तू। पापी मैं ये सोच रहा हूं कि एक कलाकार की इतनी दर्दनाक मौत कैसे हो सकती है? कलाकार? कौन कलाकार? यह आदमी कलाकार था? हाँ दया। कैसा कलाकार? कोई एक्टर वैक्टर था क्या ये? दया सिर्फ एक्टर ही कलाकार नहीं होता बस, ये आदमी एक पेंटर था। पेंटर? पेंटर? हाँ बस, मैंने इस आदमी की यहाँ हथेली में से स्किन लेकर के उसे टेस्ट किया है। उस स्किन में मुझे टोलिन और जाइलिन नाम के दो केमिकल मिले जो अक्सर वार्निश या पेंट बनाने के काम में आते हैं। टोलिन और ज़ाइलिन? विसारण के ये सिर्फ पेंटर ही नहीं, और भी कुछ हो सकता है। सर, सलाश का एक्सरे तैयार है, ये देखिए। ओह, क्या हुआ सरण के? बॉस ये एक्सरे देखो जरा। सर ये इस लाश के फेफड़ों का एक्सरे है, और ये एक आम आदमी जो बिल्कुल ठीक ठाक। सर इस लाश के फेफड़े एकदम भरे हुए हैं सर, और दूसरे आदमी के फेफड़े एकदम साफ। इसका मतलब साफ है बॉस, पेंटर होने के साथ साथ ये आदमी किसी ऐसी जगह पर काम करता था जहां पर बहुत धूल थी, और वो धूल सांस के साथ साथ इस आदमी के फेफड़ों में जाकर के जमा होती थी। धूल इसके फेफड़ों में जमा होती थी? तो फिर सारों की ये भी तो हो सकता है कि ये आदमी ना सिर्फ पेंटर था बल्कि एक मूर्तिकार भी था, स्कल्प्टर, जो मूर्तियां बनाने के बाद उन्हें पेंट करता था, जैसे गणेश जी की मूर्ति या दुर्गा माता की मूर्ति होती है। बिल्कुल बॉस, हो सकता है। सर दो लोग और थे मूर्ति बनाने वाले, भैया के साथ ही आए थे धीर काका के वर्कशॉप से, जिसने हमारी गणेश जी की मूर्ति बनाई थी। उन दोनों के नाम क्या है? उनके आदि और सूरज। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लाश का यक्ष की खून के साथ कोई संबंध हो? हाँ सर, उस दिन यश के घर में दो मूर्ति बनाने वाले भी आए थे, और सर वो लोग यश के ऑफिस जाने से पहले ही घर से निकल गए थे। और सर जिस कार में ये लाश मिली थी ठीक वैसी कार यक्ष के ऑफिस के बाहर देखी गई थी सर, वॉचमैन ने देखा था। मैं उस जले हुए गाड़ी के बारे में कुछ पता चला? उसका मालिक कौन है? सर निकल गया है पता करने के लिए।
सर, हमने शहर के सभी हॉस्पिटल से पता कर लिया सर। मानव किसी भी हॉस्पिटल में नहीं आया और ना ही मानव से मिलता जुलता कोई आदमी सर। तो सचिन, सारे हॉस्पिटल्स पर नजर रखे रहो, वो आएगा, जरूर आएगा। दे, तो मूर्ति बनाने वाले वर्कशॉप में जाकर पता करो। यार सूरज, कम से कम धीर सर को फोन तो करना चाहिए था। कहाँ है, कब आएंगे, कुछ तो बताना चाहिए था। यार मैं सुबह से फोन लगा लगा के थक गया हूँ। फोन बंद करके बैठे हैं। मुझे लगता है पैसे देने की वजह से छुप के बैठ गए हैं। सोचा होगा वर्कर लोग पैसे मांगेंगे, इसलिए दो चार दिन सामने आऊंगा ही नहीं। सही कह रहे हो। अच्छा, तुम लोगों ने घर पे पता किया? घर वाले बोल रहे थे कि कल रात से वो घर आया ही नहीं है। आप लोगों में आदि और सूरज कौन है? सर, मैं हूँ सूरज और ये है आदि। क्या बात है साहब, आप लोग कौन है? CID। CID? मगर यहाँ तो सब ठीक ठाक है सर। अरे ठीक ठाक होता तो हम लोग यहाँ पे क्यों आते हैं? तुम दोनों गणपति की पूजा के लिए यक्ष के घर गए थे ना, शांति मेंशन में? हाँ सर। और पूजा शुरू होने से पहले ही निकल गए थे वहाँ से। जी सर, वो हमें मार्केट जाना था कुछ सामान खरीदने के लिए। मार्केट जाना था या फिर यक्ष के खून का प्लान बनाना था? क्या, यक्ष साहब का खून हो गया? कल तो हमने उन्हें जिंदा देखा था। जिंदा थे, मगर तुम लोगों ने उसे जिंदा नहीं छोड़ा। उसके ऑफिस में कुर्सी के नीचे बम लगा दिया तुम लोगों ने। क्या बात कर रहे हैं साहब आप, हमने तो यक्ष साहब का ऑफिस देखा तक नहीं। हम लोग बड़े सीधे साधे लोग हैं साहब। देखो, यक्ष के घर से तुम दोनों ही पहले निकले थे। यक्ष के ऑफिस जाने से पहले सब लोग यक्ष के घर में थे, तुम दोनों बाहर थे, और सिर्फ तुम दोनों को ही मालूम था कि यक्ष घर से ऑफिस जाने वाला था। हमें कुछ नहीं मालूम सर, हम तो पूजा में जाने वाले भी नहीं थे। वो तो धीर साहब ने हमें फंसा दिया। ये धीर कौन? यहाँ के मालिक। 15 साल से वही पूजा में जाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि तुम लोग जाओ। ये धीर कहाँ है? सर, 2 दिन से आए नहीं, हम भी उनका इंतजार कर रहे हैं। ओ, तो धीर 2 दिन से गायब है, क्यों क्यों नहीं आया? पता नहीं सर, लेकिन परसों रात को उनसे कोई मिलने आया था, वो उन्हीं के साथ उनके कार में बैठ के चले गए, अब तक वापस लौट के नहीं आए। कौन सी कार थी? सर, वो मरून कलर की लंबी सी कार थी। उस कार में कौन बैठा था, देखा तुम लोगों ने? मालूम नहीं सर, अंधेरा इतना था कि कुछ दिखाई ही नहीं दिया। ऊपर से बारिश भी बहुत तेज हो रही थी और कार सड़क के उस तरफ खड़ी थी। सर, कार में जिस आदमी की जली हुई लाश मिली थी, कहीं वो धीर तो नहीं है? हो सकता है। सर, अब एक बात साफ हो रही है सर, ये तीनों के तीनों क्राइम्स आपस में जुड़े हुए हैं सर, कुछ ना कुछ कनेक्शन है इनका आपस में। आदर मानता हूँ कि इन तीनों क्राइम्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, मगर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि धीर का खून क्यों हुआ, क्यों मारा धीर को? सर, क्या पता ये धीर उन किडनैपर्स के साथ मिला हुआ हो, किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा हो गया होगा और उन लोगों ने मार दिया सर। और हैरानी की बात यह है कि जो जायदाद के पेपर्स ये किडनैपर्स मांग रहे हैं, उस जायदाद के बारे में घर वालों को पता ही नहीं। सर, शायद यक्ष को जायदाद के पेपर्स के बारे में मालूम था, यही पेपर्स चोरी हुए थे उसके ऑफिस में से। सर, अगर उन पेपर्स की वजह से मानव को किडनैप किया गया है और वो पेपर्स अगर किडनैपर के हाथ लगे हैं, तो उन्होंने तो अब तक मानव को मार भी दिया होगा। ऐसा ना हुआ तो ही अच्छा है। सर, ये उस गैरेज के ओनर जिन्होंने उस कार का इंजन बदलवाया था। क्यों, कौन है मालिक गाड़ी का? सर, नाम तो याद नहीं है, लेकिन दिखने में एकदम सड़क छाप था सर। सड़क छाप मतलब चोर उचक्का था क्या? नहीं सर, चोर उचक्का तो नहीं, लेकिन उसकी हालत को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कार उसकी है। अच्छा, ये रहता कहाँ है कुछ मालूम है? सर, मुझे भी शक हुआ था उस पे, तो उसका एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर दोनों लिख के रखा हुआ मैंने सर। इस गाड़ी वाले को उठा। सर, आप लोग अच्छा हुआ आ गए, हम लोग धीर साहब के बारे में बातें कर रहे थे, उनका कुछ पता चला?
तुम्हारे धीर साहब के बारे में तो नहीं पता चला। अब क्या होगा सर? है एक दूसरा रास्ता निकल आया। अच्छा? एक झूठ तो पकड़ा गया है, अब झूठ बोलने वाला भी पकड़ा जाएगा। सर मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? सर मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? मेरी तरफ बट क्या बोला था तुम लोगों ने? यक्ष के घर से निकलने के बाद तुम दोनों मार्केट गए थे? हाँ सर, हम लोग मार्केट ही गए थे। फिर छोड़े थे सर? बाद में आदि किसी काम से और भी कहीं गया था। कहीं और नहीं गया था, यक्ष के ऑफिस में गया था। हथौड़े के एक ही प्रहार से सर भन्ना आया और सच जुबान पे आ गया। अभी कहाँ है इस वक्त? सर वो यहाँ पे नहीं है। फिर कहाँ है? भाग गया। यहाँ रहेगा भी कैसे? यक्ष का खून उसी ने किया है। आदि खूनी है, तभी आप लोगों के जाने के बाद वो यहाँ से चला गया था। धीर का खून भी आदि ने ही किया है। जिस कार में बैठ के गया था धीर, वो कार आदि के नाम पर है। अच्छा, जब धीर गाड़ी में बैठ के गया तब आदि तुम लोगों के साथ में था? हाँ सर। सर अगर आदि उस वक्त इन लोगों के साथ में ही था तो फिर वो कार कौन चला रहा होगा? आदि कुछ बोल के गया था तुम लोगों से? हाँ सर, कह रहा था दम्भोली जाना है जायदाद के कुछ पेपर लाने के लिए। दम्भोली जाना है जायदाद के कुछ पेपर्स लेने के लिए? कुछ और ही गड़बड़ लगती है। आदमी का नाम आदि है, आप लोगों ने देखा इसे यहाँ आसपास? ये नाम तो पहली बार सुन रहे हैं। देखिए, ये आदमी एक खूनी है, इसने एक आदमी को उड़ा दिया है बॉम्ब लगा के। सर मैंने तो इस आदमी को यहाँ नहीं देखा। अरे यहाँ कोई आसपास जमीन वगैरह की डीलिंग होने वाली? हाँ, जमीन की कोई लिखा पड़ी होने वाली हो, प्रॉपर्टी डीलिंग। इस आदमी को इस गाँव में कुछ जमीन मिलने वाली थी। हाँ सर, यहाँ पर 150 एकड़ जमीन का झगड़ा तो चल रहा था कोर्ट में। अभी कुछ 15 दिन पहले ही दोनों पार्टियों में आपस में कुछ बातचीत हो गई, तो होगी तो वही जमीन होगी। ये झगड़ा किसके बीच में था? सर ये एक आदमी तो यही गांव का था और दूसरा मुंबई का था। ये बातचीत क्या हुई? सर जमीन मुंबई वाले को मिल गई। जायदाद के पेपर्स? हाँ, कल गणेश विसर्जन में पीले कपड़े पहन के एक आदमी आएगा, वो पेपर्स उसे दे देना, वरना तुम्हारा बेटा जिंदा नहीं बचेगा। ये मुंबई वाला आदमी ये है क्या? हाँ सर, ये वही आदमी है। ये 2 हफ्ते पहले इस गांव में आया था। इसका नाम तो यक्ष है। या ये यक्ष ही है और आदि ने इसी का खून किया है। मेरे गांव का वो आदमी कौन है, जरा बुलाओ उसे। अरे भाऊ, जरा बीर को लेके आना। अरे सुनो सुनो सुनो, उसको ये मत बोलना कि CID वाले बुला रहे हैं। जी सर। ये तो आएगा नहीं है। वीर इस जमीन के लिए बहुत झगड़ा कर रहा है। वैसे इस जमीन का असली मालिक कौन है? असली हकदार जो है यक्ष ही है। वीर के बाप ने अपनी वसीयत में यक्ष का नाम लिख दिया था। वीर चाहता था कि जमीन उसी को मिले। किसने बुलाया मुझे? क्या टेढ़ा लगता है? हमने बुलाया। क्या काम है? अरे अच्छे से बात करो भाई, ये लोग जो है ना CID वाले हैं। CID? जी साहब। यक्ष, धीर, आदि, इनको जानता है? मैं कुछ नहीं जानता साहब। यहाँ पे कोई खड़े होके बीड़ी पी रहा था। कौन यक्ष? कौन आदि? कैसा एक्सीडेंट साहब? रजब ने आप तुम्हारे मुंह से बाहर निकले जा रहे हैं, हैं? हमने तो किसी एक्सीडेंट के बारे में तुमसे पूछा ही नहीं, हैं? साहब। चोर की दाढ़ी में तिनका है, यक्ष का खून इसी ने किया है। सरपंच जी, इसके पिताजी को बुलाइए, उन्हीं के सामने बातचीत होगी। सर इसके पिताजी को मैंने बहुत दिनों से नहीं देखा। साहब वो बीमार है साहब, इसलिए नहीं देखा आपने उनको। बीमार है तो ठीक है, तुम्हारे घर चलते हैं, वहीं बातचीत कर लेते हैं। साहब वो अब
तू भागेगा तो हमारा क्या होगा? साहब किस किस का खून किया तूने, कौन बताएगा हमें? साहब मैंने किसी को नहीं मारा। साहब किसी को नहीं मारा? मैंने किसी को नहीं मारा। शर्म नहीं आई अपने पिता और भाई का खून करते हुए? सद्दू बाप, अपने बेटे के बारे में जरा भी ना सोचता हूं, ऐसे बाप का मर जाना ही अच्छा था। खून करने के बाद तू ये जताना चाहता है कि तूने जो किया वो सही किया? सब मुझे भिखारी बना दिया था इस पे, सारी जायदाद उस यक्ष के नाम कर दी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इसका गोद लिया बेटा था। जायदाद के चक्कर में तुमने धीर और आदि को क्यों घसीटा बीच में? क्यों मारा उन दोनों को? धीर और आदि मेरे लिए काम कर रहे थे और मैं नहीं चाहता था कि मेरे खिलाफ कोई भी सबूत छूटे, इसलिए मैंने आदि के नाम पर एक गाड़ी खरीदी और धीर को उसमें बिठा कर मार दिया। जल गया वो। मानव को किडनैप करके कहां पे रखा है? क्या मानव किडनैप हो गया? अब ये ड्रामा बंद कर, कहां पे रखा है मानव को? नहीं साहब मुझे कुछ नहीं मालूम है। सब मैंने सिर्फ खून किया, मैंने किसी का किडनैप नहीं किया है सर। फिर झूठ बोल रहा है? सब झूठ क्यों बोलूंगा मैं, चार चार खून का इल्जाम ले रहा, झूठ क्यों बोलूंगा जी? तो फिर इस मानव को किडनैप किया किसने? आदि की है और इसके डैड की है। एक काम करो, लाशों को फोरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो और इसको लेके जाओ। चल। सर, जायदाद के कागजात मिल गए। सर ये जायदाद यक्ष के साथ साथ मानव के नाम पे भी है। जायदाद यक्ष और मानव के नाम पे है और यक्ष के घर वालों को पता भी नहीं? अभिजीत एक बात तो साफ हो गई, ये चारों खून इस आदमी ने किए हैं, मगर यक्ष के ऑफिस का सिक्योरिटी कोड आदि को किसने दिया होगा? हेलो सर, मैं जतिन बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर वो किडनैपर्स का वापस फोन आया था, वो कह रहे हैं कि कल तक अगर जायदाद के पेपर्स नहीं मिले तो वो जतिन को मार देंगे। आप एक काम करिए, आप उनको बोल दीजिए कि पेपर्स मिल गए और हम लोग डील करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे तो इतने सारे पीली टी शर्ट वाले हैं, कैसे पता चलेगा? तो सोच रहे थे कि ये हुकुम का इक्का है,
ये तो चिड़ी का गुलाम निकला। सारा प्लान इस ईड के बेगम का है क्या? बेगम का पीछा करते हैं, पता चल जाएगा सारे पत्तों का राज क्या है। गुस्से में हो? गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं। हंसो। अरे अब तो तुम आजाद होने वाले हो। ये लो जायदाद के पेपर्स, इन पे साइन कर दो। मैं साइन नहीं करूंगा, मुझे मालूम। अगर मैंने साइन कर दिया तो भी तुम मुझे मार देगी। ये तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगी? मैं इतनी बुरी नहीं हूं मानव, मुझे तो बस जायदाद चाहिए। हाँ तो फिर मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? मैंने तुम्हारा घिनौना चेहरा देख लिया, मैं साइन नहीं करूंगा। तो फिर ठीक है, मरने का इतना ही शौक है तो मर जा। वैसे भी तुम्हारे मरने के बाद सारी जायदाद मेरी ही हो जाएगी। सॉरी मानव, अपनी भाभी को माफ कर देना। सॉरी सॉरी एलेना जी, सिग्नेचर ये नहीं, सिग्नेचर हम लोग करेंगे। आप जरा ब्यूरो तो चलिए। चलिए चलो। कमाल है, अपने पति के सलामती के लिए औरतें न जाने क्या क्या व्रत रखती, लेकिन ऐसी पत्नी पहली बार देखी जिसे अपने पति के मरने का कोई गम नहीं, बस सिर्फ उसकी जायदाद चाहिए। जो मर गया उसके लिए क्या रोना, मैं तो जिंदा थी और मुझे चाहिए थी हर ऐशो आराम। उस जायदाद को पाकर मैं और अमीर बनना चाहती थी। फिर चाहे पति मर क्यों न जाए, इस जायदाद को मैं ही नहीं और भी लोग पाना चाहते थे। और भी लोग? और कौन पाना चाहता था जायदाद? ओह, तो मानो भी ये जायदाद पाना चाहता था। हाँ, इसलिए मैंने और यक्ष ने जायदाद हासिल करने का प्लान बनाया। तुमने सोचा कि मानो को किडनैप करके उससे दस्तखत करवा लेंगे तो सारी जायदाद तुम्हारी हो जाएगी, क्यों? हाँ, और उस दिन वही जायदाद के पेपर्स लेने के लिए यक्ष ऑफिस गया था, मगर वहाँ पे उसका खून हो गया। हाँ, उस दिन उसके डांबोली वाले ममेरे भाई ने आकर सारा प्लान चौपट कर दिया। आदि और धीर के साथ मिलकर यक्ष का खून कर दिया। लेकिन जब तक मैं मानव को किडनैप करने का प्लान बना चुकी थी और मैं किडनैपर्स को रोक नहीं पाई। तुमने अपने पति के भाई को किडनैप करवा लिया, ऐसा कैसे कर सकती हो? सौतेला भाई, और आप उसके सौतेले पिता। मगर यक्ष के ऑफिस का कोड नंबर वो आदि को किसने दिया? मैंने। मानव, तुम भी यक्ष को मरवाना चाहते थे? हाँ, मुझे यक्ष के सारे प्लान के बारे में पता चल गया था। मैं उसे मसा चखाना चाहता था। मगर तुम्हारी किस्मत खराब थी कि तुम इनके जाल में फंस गए। ये सब सिर्फ जायदाद के लिए सर, एक दूसरे की जान लेना चाहते थे। हाँ, पाप एक न एक दिन कटघरे में खड़ा कर ही देता है गुनहगार को। 150 एकड़ जमीन के लिए न जाने क्या क्या दाव पेच खेले तुम लोगों ने, लेकिन एक भूल गए कि मरने के बाद इंसान को नसीब होती है सिर्फ 1.5 गज जमीन। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।